ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਲੋਰੈਂਸ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। संसार में सभी प्राणियों के ऊपर लागू रहती,
सबसे बढ़िया जीवन मानव का है और बाकी और भी कितने ही प्राणी संसार में हैं। पुराणों में आया का 84 लाख योनियां है। बहुत से प्राणी हम आप सभी देखते हैं, लेकिन ऐसी विलक्षण शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां किसी दूसरे प्राणी को नहीं जो मानव को। ऐसा बढ़िया जीवन कैसे पाया? तो का कर्मों के अनुसार ही संसार में सभी को जीवन मिलता। कर्म रूपी संस्कार जब अच्छे होते हैं तो हमें सबसे बढ़िया चुना हुआ सुंदर ये आध्यात्मिक शक्तियों वाला जीवन मिलता। जीवन है तो जीवन का उद्देश्य है, और उद्देश्य है तो उस एम को पूर्ण करना धर्म है। तो कहा हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? आए खाए पिए रहे, संसार छोड़ा और चले गए का नहीं। इतना साधारण काम तो दूसरे प्राणी भी करते हैं, अपने जीवन को भी जीते हैं, परिवार को भी पालते हैं, संसार में भी रहते हैं और संसार भी छोड़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मानव का जीवन बड़ा विशेष, बड़ा सुंदर, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा कीमती जीवन, इसलिए उसके जीवन का उद्देश्य भी उतना ही महान है, सुंदर है, जिसे इस संसार में हमें पूर्ण करना है। तो का उस मंजिल को पाने का रास्ता, का उस मंजिल को पाने का रास्ता विद्वानों का संग करने से, सत्संग में स्वाध्याय करने से, गुरुओं की संगत में आने से, ईश्वर के साथ जुड़ने से हमें पता चलता है, और उस रास्ते पर चलते हुए हम उस मंजिल को पा सकते हैं जिसके लिए ना जाने हमने युगों युगों से कितनी बार गोता लगाया है। संसार में कभी आए हैं तो कभी संसार छोड़ा और संसार से गए हैं, लेकिन इस मानव रूपी जीवन में हम उस मंजिल को भी पा सकते हैं और इस जीवन को भी जान सकते हैं। ईश्वर ने हमें ये जीवन किस लिए दिया है इसके ऊपर विचार भी कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु के विषय में विचार कर सकते हैं। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, तो एक तरफ कह दिया कि नैनव छदन्ति शास्त्राणी, नैनव दहति पावका, न चैनव क्ले दियन्ति आपो न सोचियति मरता, कि भाई आत्मा अजर है, अविनाशी है, न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, तो फिर इस संसार में ये जन्म और मृत्यु क्या है? ईश्वर की व्यवस्था में जब इस आत्मा को कर्म करने के लिए, धर्म कमाने के लिए, कर्म फल भोगने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए, इस संसार में पवित्र होने के लिए और मंजिल को पाने के लिए जो चोला जीवन मिलता है वो जन्म है, और ईश्वर की व्यवस्था में आत्मा और इस शरीर का जब वियोग होता है, बिछड़ना होता है, उस घटना का नाम ही मृत्यु है। अनेकों वर्षों से, लगभग 15-20 वर्षों से परिवार के साथ मेरा संबंध है, और तब से ही मैं उनसे जब भी मिला हूं बड़ा धीरे से, बड़े शांत स्वभाव से उन सभी से बात किया। सत्संग के बड़े प्रेमी, भजन और कीर्तन में उनकी विशेष रुचि रही है, ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रहा है, तो ये दंपत्ति परिवार दोनों हंसों की जोड़ी थी, पिछड़ी, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में हम सभी को सिर झुकाना। उन महान आत्मा के लिए हम सभी ईश्वर के दरबार में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें सर्वगति आत्मिक शांति दे।